हाय हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं नमिता सृष्टि और आज हमारे साथ हैं बहुत खूबसूरत, बहुत प्रिटी, द गर्ल विद एन इन्फेक्शियस स्माइल। यस, वी हैव विद अस गीता बसरा। गीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर लवली वेलकम। सो गीता, दिस यू हैव लाइक हर्ड फ्रॉम सो मेनी पीपल, आई बिलीव मिलियंस ऑफ पीपल हैव गिवन यू दिस कॉम्प्लीमेंट दैट यू हैव एन इन्फेक्शियस स्माइल। Well, that's the best compliment I can get because when you have an infectious smile, it should spread to others, you know. I don't mind this kind of infection or virus where it spreads to others, but other people smile, and especially like this, where it's a very testing time for everyone. So it's nice if you can smile through this as well. वन पर्सन जो अपने वेकेशंस को सबसे ज्यादा मैं कहूंगी याद कर रहा है इन दिस लॉकडाउन इज गीता। Is this true? How much true is that? याद कर रही हूँ तो I think vacation time, I think मेरे mind के बहुत बहुत पीछे है। I think there's other things on my mind right now के जो चल रहा है माहौल अभी, जितने भी मेरे family friends है वो सब सुरक्षित रहे, safe रहे। और yes, a part of it is traveling. We travel so much के वो हमारी समर वेकेशन होती है आईपीएल के तुरंत बाद, अभी वो इस साल होगा, तो दैट इज समथिंग आई एम वेरी अपसेट बिकॉज यूजुअली आवर हॉलीडेज आर नॉट इन द सेंस ऑफ हॉलीडेज इज गोइंग बैक होम टू सी माय फैमिली इन लंदन, एंड सैडली दैट इज नॉट देयर दिस ईयर ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो दैट इज समथिंग दैट्स काइंड ऑफ अपसेटिंग मी। Obviously, yes, this is very true. In fact, what all is going on in the lockdown? ये पिछला जो पूरा एक महीने से ज्यादा का वक्त है, ये कैसे निकला और क्या क्या नया एक्सप्लोर किया है गीता ने, भज्जी ने, क्या क्या किया नया? और पहले से शुरू हो गया था, आई थिंक, तो मेरे बर्थडे के बिल्कुल एक दिन बाद आया। 13th को मेरा बर्थडे था, 14 से हम मतलब अंदर ही है, बिकॉज एट दैट टाइम इट वॉज स्प्रेडिंग क्वाइट रैपिडली, एंड मेरे हस्बैंड आए हुए थे चेन्नई से। सो हमारा तो लॉकडाउन तब से चालू है, एंड आई बीन ओवर 45 डेज नाउ। द गुड थिंग इज कि ऐसा लग नहीं रहा कि 45 दिन निकले हैं, बिकॉज देयर सो मच गोइंग ऑन इन द हाउस एंड सो मेनी थिंग्स वी आर डूइंग दैट एक्चुअली वी आर कीपिंग आवरसेल्फ बिजी। ओके, बट एट द सेम टाइम इट्स द अनसर्टेनिटी ऑफ नॉट नोइंग कि व्हेन वी कैन गो आउट। आई थिंक दैट्स मोर प्लेइंग ऑन आवर हेड। How long is this going to go on for? So what new things you have done in your house? Like what all activities are going on? So it's, I think that the actual sense, the term spring cleaning, I think we've done a lot of spring cleaning in the house of jo do baar hoti hai, ek baar hoti waise achhi safai saal mein, wo hai usually Diwali ke time pe ke sab log ghar bilkul chamka dete hain aur hamara हो रहा है कि अभी फिलहाल जो भी पंखे एसीज कबर्ड्स ऑल स्प्रिंग क्लीनिंग इज गोइंग ऑन इन आवर हाउस, सो दैट हैज बीन क्वाइट प्रोडक्टिव। वी हैव कुकिंग, सो बोथ माय हस्बैंड एंड आई हैव लर्नड लॉट्स ऑफ डिशेस दैट वी हैव नॉट कुक्ड बिफोर। आई हैव एक्चुअली एंटर्ड द किचन बट ही हैजंट एवर एंटर्ड द किचन, सो आई थिंक इट्स नाइस दैट बोथ ऑफ अस आर कुकिंग एंड ही a lot of new things. I have been doing my piano practice. Wow. So that's keeping me busy. As well as playing with my daughter, studying with her, study time hota hai din mein, painting time hota hai, baking time hota hai. There's so many things. I think when you have a toddler in the house of a 3-year-old, there's anyway you twice ki pata bhi nahi chalta hai kahan jata hai. So yeah, I think we've had quite a few productive days, and hamara har roz shuruaat hoti hai 1 hour of exercise. Okay. So we are working out every day, and we have our routine of doing yoga and functional training, every other day, yoga 4 times a week. So that is also keeping us busy. अच्छा, मुझे हमेशा से लगता रहा है, मैं हमेशा से सुनती आई हूँ कि जब टॉडलर होता है घर में या कोई बच्चा घर में होता है तो मदर्स के लिए सबसे बिजी होने का लाइक एक रूटीन उनका बहुत बिजी हो जाता है, लेकिन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं हिनाया की जो दैट कीप्स यू बिजी ऑल द टाइम? सी, एक टॉडलर का एक क्या है कि उनको अटेंशन बहुत चाहिए। आई थिंक स्पेशली हिनाया जो मेरे साथ बचपन से, मैं उन
मतलब एक दिन नहीं छोड़ा, यू नो आई हैव बीन विद हर एवरी सिंगल डे सिंस शी इज बीन बॉर्न. तो इनकी जो एनर्जी है ना, हम अपने एडल्ट्स के साथ बिल्कुल मैच नहीं कर सकते. आई थिंक एडल्ट्स एनर्जी टू अ चाइल्ड एनर्जी, दे कैन प्ले थ्रू आउट द होल डे एंड आस्क फॉर वन आवर वी कैन प्ले, देन वी नीड अनदर हाफ आवर ब्रेक, देन वी नीड an hour, then we need another half an hour break because we're, में हो जाता होगा वर्कआउट तो आधा उसी में हो जाता होगा. मैं कह रही हूँ वर्कआउट तो आधा उसी में हो जाता है, आधा तो उसके पीछे ही लग जाता है कि ये यहाँ भागती है वहां भागती है, इसको ये खेलना है वो खेलना है ये बनाना है, तो इसके वैसे ही पीछे इसका आधा तो मेरा एक्सरसाइज उसके पीछे लग जाता है. बट आई थिंक विद अ टॉडलर यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्रिएटिव थिंग्स कि उनके साथ क्या क्या करे. तो रोज मैं कुछ नया कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट क्राफ्ट करे, डिफरेंट चीजें बनाए. सो दैट हैज केप्ट मी बिजी थ्रू द आफ्टरनून. और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आपने कहा फैन क्लीनिंग हुआ या पूरी सुपर क्लीनिंग घर को करना, तो उसमें भज्जी ज्यादा करते हैं लाइक पंखे साफ, भज्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? नहीं नहीं, हम दो कांटा है, इट्स जस्ट द थिंग्स दैट आई कांट रीच देन ही कम्स इन, बट वी बोथ डूइंग इट, थिंग्स व्हिच आर टू देन ही विल कम इन एंड हेल्प एंड वी डिस्ट्रीब्यूटिंग रोल्स, सो इट्स नाइस. नहीं तो हम पूरा दिन घर पे टीवी के सामने तो बैठ नहीं सकते ना, तो यू हैव टू कीप occupied in the first half of the day that you do all your productive stuff, and then sham ko hum jab Hinaya so jati hai to hum apni movies dekhte hain, series dekhte hain. Okay, sabse zyada I believe cricket ko miss kar rahe honge aap dono, hai na? I think yes, of course he's probably missing cricket right now, but I think that again is secondary right now, abhi filhal jo chal raha hai. But yes, hum hamesha yahi yaad karte hain, ye din pe ये मैच होता या यू नो हम आधा सीरीज अभी खेल लिया होता, यू नो बाय नाउ आई वुड हैव बीन मोर देन हाफ वे इन. तो यस बिल्कुल. इनफैक्ट अगर बात करते हैं आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो हमने देखा कि आपने बहुत ज्यादा फिल्मों में लाइक काम नहीं किया, यू टुक अ ब्रेक इन बिटवीन आल्सो, एंड आफ्टर योर मैरिज तो आपने हिनाया को ज्यादा लाइक पूरी प्रायोरिटी दी अपनी, एंड आप उसी के साथ रहते. जब मेरी फिल्म रिलीज हुई थी द ट्रेन, उस टाइम पे आई गॉट इन टू रिलेशनशिप विद हरभजन. सो एट दैट टाइम ओनली, द मोमेंट माई फिल्म रिलीज, माई रिलेशनशिप हैड स्टार्टेड. सो आई थिंक व्हेन आई हैड एंटर्ड द इंडस्ट्री, इट वॉज अ वेरी डिफरेंट टाइम फॉर अ गर्ल. इट वॉज अ वेरी, आई मीन जो आज अपॉर्चुनिटीज है एक लड़की के लिए, उस टाइम पे इतनी नहीं थी, यू नो. आई थिंक शादी तो दूर की बात है, इवन इफ यू आर डेटिंग समवन, आई थिंक इट वाज अ टैबू के यू नो शी इज डेटिंग समवन, एंड ऑडियंसेस वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एन एक्ट्रेस बीइंग मैरिड और बीइंग डेटिंग समवन, सो दे वांटेड यू नो एक्टर्स हु आर नॉट इन अ कमिटेड रिलेशनशिप. सो फॉर अ गर्ल इन 2006 वाज अ वेरी टेस्टिंग टाइम, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर अ गर्ल. टुडे इट्स आई थिंक इन द लास्ट 3 years, 4 years it's changed so drastically that it's an amazing time for every girl to work, you know. I think there's so many opportunities, OTT platforms and, you know, Netflix, Amazon, and, you know, it's not just about the silver screen, it's about other great products, creative products jo aajkal aa rahe hain, jo hum zyada wohi dekhte hain. Hum theaters pe to jaate hi nahi zyadatar, we actually are more Netflix and online portals, हम वो ज़्यादा download करके देखते. So I think now is a good time for a girl. Unfortunately, when I had entered, like I said, my priority at that time was my relationship. I was new to the industry. I think मैं 2-3 साल से मैं इंडिया में थी. So I was very fortunate के जब मैं इंडिया में आई थी, तो मुझे उसी time एक अपॉर्चुनिटी आ गई थी. द मोमेंट आई हैड लेफ्ट माय एक्टिंग क्लास, आई गॉट अ मूवी स्ट्रेट अवे, व्हिच डज, सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट इन दैट. बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस एट दैट टाइम, आई कुडंट फोकस टू मच, वेल फोकस अपॉर्चुनिटीज. ओके, ये भी जानना चाहूंगी, क्रिकेट का शौक पहले से था या फिर भजन के लाइफ में आने के बाद ज्यादा हुआ? बिल्कुल नहीं, मुझे तो आइडिया भी नहीं था. आई हैड नो क्लू, आई हैड नो आइडिया. दैट इज समथिंग आई हियर.
being in a relationship with someone who plays cricket, mm-hmm. I've learned over time. Mujhe bilkul koi. So when was your first meeting with Harbhajan? Straight after the train. Okay. I think he had seen my poster. He had seen my poster or a song. So he uh-huh. tried to get with me, and then yes, his friend had introduced, we had a common friend, so hum ek dusre se mile coffee pe, and uh-huh. yeah, friendship started. Okay, coffee is a good like thing to start a friendship or to start a yeah. relationship. Bilkul. I think he likes coffee, I like coffee sometimes, not I'm not really a coffee person, but yeah, but it was nice because I had my friend with me and he had his friend, so it was kind of like four of us meeting, and it was good, it was nice, and from there our friendship grew, and 10 months mm-hmm. later you know, I said yes to his proposal. So, oh yeah. Acha, matlab he said I love you first na, he proposes to you na. Yeah, you from day one that you're the girl I'm marrying. Okay, very nice. Yeah. Acha, गीता कई बार क्या हमेशा ये देखा गया कि शादी के बाद एज अ पर्सन दोनों में चेंजेस आते हैं ना, एक लड़की में भी और एक लड़के में भी. सो व्हाट चेंज डू यू लाइक थिंक कि आप में आया है आफ्टर मैरिज, और हरभजन की भी अगर बात करें तो उनमें क्या चेंज आप देखते हो? दोनों के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं. आई थिंक एज इज वन, उम्र के साथ भी बहुत चेंजेस आते हैं. आई थिंक व्हेन आई वाज इन अ रिलेशनशिप विद बज्जी, आई वाज 23. So, you know, that's over 10 years ago now. And it was, you know, a time where I was very, very ambitious and I was young, free-hearted, you know, free-spirited, young, you know, young, innocent girls. And where you're new to the country, you're new to the this whole world of, you know, this city. And didn't know much of Hindi. I used to get teased a lot by him because my Hindi bahut bahut funny thi us time pe. Bahut British accent ke saath aise baat karti thi, you know. So I think that time, yeah, it was one of those, you know, you're young and you're free spirited. But as you grow older, you get settled down. You get married. The responsibilities on a girl increases, where both you have to keep each other, correct. You have to back each other out, and then having a child, that also teaches you a lot, you know. I think having a child really brings out a total different side of you, which you never knew existed. I think a maternal love jo hota hai, unconditional love jo aapko kabhi pata nahi tha, yes, ye kya hai. I think that teaches you when you have a child, patience. So many things, yeah. So many things. I think my friends have really seen a huge change in me. They say, you're Geeta, before you were totally different and today you're totally different. So Hindi bolna kaise sikha? Hindi bolna, mere staff ke saath main bahut Hindi bolta. I used to tell them that, I'm gonna try and speak Hindi with you guys. I took an Urdu teacher, I took a Hindi teacher. Wow. And us time pe mere saath rehti thi, to hamari aadat thi Punjabi mein baat karna. Okay. And it was very fast talking Hindi, you know, because it sounded too filmy, you know, talking Hindi in at home, because we're so used to talking Punjabi. So I used to tell Masi ke, please band karo, you have to help me talk Hindi, like proper Hindi, because every time I used to talk Hindi, people used to suss it out that you're not from here, you're from abroad. So then I made it a point. I said, no, yeah, this has to, like, I have to really work hard on my Hindi. I think that's my priority. Like, chota sa game we want to play with you, like, which is all about yourself and your husband, of course. So one habit of Bhaji that you want to change? Only one. नहीं नहीं, थ्री भी बता सकते हो, पतियों की बहुत सारी. आई नो वन, स्टबर्ननेस. ओके, एंड बीइंग लेट. ओके, वेरी नाइस. सो वन क्वालिटी ऑफ भज्जी एज अ डैड.
very, very doting father, very protective father. The first gift that Bhaji gave you? The first gift? A bag. Okay. Yeah. And what was your reaction after getting that? Which girl's gonna be so it's isn't it? A girl who's getting a bag. Yeah, of course. It was special. Okay. So your reaction when India loses a match? Disheartening. Mm-hmm. Okay. Ye to hoi gaya. Who said I love you first? It's of course Bhaji, hai na? So who starts fighting first? Kaun jhagda pehle karta hai? My husband. Everything my husband. Very nice. So this also you want to change in him, na? He'll say otherwise. Huh? He'll probably say otherwise. He will. Yeah. Who says sorry first? Me. Okay, girls are like that. Who is more responsible? Both. Who is more fitness enthusiast? Right now, I'd say me. I'm pushing him to do it. To do yoga, to do something. That day, he's going to be a fitness enthusiast, right? He's in sports, so he anyway has it. But sometimes you kind of slack a bit and... But then the wife comes in, Nene, let's do it today. Let's do a good 1.5 hour session of yoga. Okay. So you are that motivational expert for him in the moment. He's been in sports for so long. I think when you're at home, then you kind of tend to become a little, but he's actually, now that we're in our routine, he's more enthusiastic than me now. So Who snores more? Of course him. When he's really tired. He doesn't snore otherwise, but when he's really tired, it's obviously him. I've never snored. And who wakes up first? Nowadays, I hate mornings, so I'll say him. Thank you so much. It was wonderful talking to you, Geeta. And we want one message for our Punjab Kesari Now The Times viewer in this lockdown period. Message to yehi hai that please follow protocols and stay at home, andar raho. सबको सुरक्षित रखो और बस थोड़ी देर और इतने दिन काट लिए बस थोड़े दिन और एंड जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड स्टे प्रोडक्टिव एट होम एंड व्हाट गीता इज मिसिंग इन द लॉकडाउन व्हाट शी विल डू व्हेन दिस ऑल दिस गेट्स ओवर गो टू लंदन ओह वाओ दैट्स अमेजिंग गो टू लंदन और टू पंजाब आइदर वन. Okay. But not for a while, not even after the lockdowns opened. It'll take a while to take flights. Aisa itna ekdam achanak se to nahi aise bahar niklenge. Thoda time lagega. Thank you so much, Geeta, for giving your precious time to us. And stay home, stay safe, keep your family healthy and hydrated too. Thank you. Thank you. Take care.